देखो, जो लोग गणेश जी की मूर्तियों को इस तरह से विसर्जन करते हैं ना, तो मैं उनके ऊपर इतना ही बोलूँगा कि भाई, तुम जब शुरुआत में गणेश जी की मूर्ति को लेकर आते हो तो बड़े प्यार दुलार, बड़े श्रद्धा के साथ, खुशियों के साथ, धूमधाम से, और उनको संभाल कर लेकर आते हो ताकि उनको चोट खरोच ना लगे, और डीजे ढोल नगाड़े के साथ डांस करते हुए सब कुछ करते हो उनके लिए, फिर जाकर उनका आगमन करते हो, फिर कुछ दिनों तक रखते हो उनको, पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो उनके लिए। फिर जब आती है बारी विसर्जन की, तो भाई आप इस तरह से विसर्जन क्यों करते हो? उनको ढकेल देना जहाँ तहाँ से? भाई वो प्यार दुलार, वो श्रद्धा, वो उस वक्त मर जाती है क्या? आपके दिल में ही होता है ना? मुझे पता है कि वो प्यार दुलार श्रद्धा आपके दिल में ही होता है। शायद आप मजबूर होते हो क्योंकि आपकी मूर्ति बड़ी होती है। अगर आपकी मूर्ति बड़ी है और आपको विसर्जन करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर भाई हम बड़ी मूर्ति ही लाए क्यों? हमें क्या ज़रूरत है किसी को दिखाना कि देखो हम, मैंने सबसे बड़ा मूर्ति लाया था। गणेश जी आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम ना मेरी सबसे बड़ी मूर्ति लेकर आओ, तभी हम खुश होंगे। अरे यार, एक छोटी सी मूर्ति भी लेकर आ जाओगे ना तो गणेश जी खुश हो जाएंगे। तो यार, छोटी ही मूर्ति सही, पर विसर्जन ठीक से करो यार। बड़ी मूर्तियों का क्या यार, जहाँ पर हम ठीक से विसर्जन ना करें और जैसे तैसे फेंक दें हम, कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ करने का यार, और कुछ भी नहीं। और ये गलती भाई आप लोग कभी मत करना यार। विसर्जन करना है तो बहुत ही अच्छे से करो यार, ताकि उनको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो।